नमस्कार दोस्तों ओल्ड माउकस में आप सबका स्वागत है काफ़ी स्टूडेंट्स इंक्वायरी कर रहे थे कि ऑनलाइन बैच कब लॉन्च होगी और उसकी डेट्स क्या होगी सो हियर वी आर विद दी ऑल डिटेल्स ऑफ आवर फोर्थ कमिंग ऑनलाइन बैच ऑफ फ़िलोसॉफी ऑप्शनल उसके जैसे यहाँ पे जिस प्रकार से दिया गया है उस प्रकार से ही हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग बैच एंड इवनिंग बैच ऐसी दो बैचेस में हम फिलोसॉफी ऑप्शनल पढ़ाने वाले दोनों बैच अलग रहेगी आप कोई भी एक बैच ज्वाइन कर सकते हो मॉर्निंग बैच का टाइमिंग है नौ से साढ़े दस मॉर्निंग एंड इवनिंग फाइव टू सिक्स थर्टी पी उसके आगे है कुछ डेमो लेक्चर्स हर बार कैंडिडेट पूछते हैं कि विल बी वेयर विल बी ऑफर्ड द डेमो लेक्चर और विल बी गेटिंग टू जॉइन द डेमो लेक्चर एज सच टॉट बाय मी सो हियर इज़ अ शेड्यूल ऑफ अ फ्री डेमो लेक्चर्स फॉर ऑल एवरीबडी इज़ वेलकम फॉर दैट उसका शेड्यूल ऑफ डेमो लेक्चर जो होगा वो होगा कुछ चार दिन का यानी वी विल बी टेकिंग वी विल बी गिविंग यू द टेस्ट ऑफ अईच एंड एवरी सेक्शन हाउ वी आर गोइंग टू टीच यू एंड रादर वी विल स्पेसिफिकली फोकस ऑन दी गिवन टॉपिक्स एंड वी विल गिव द डेमो ऑफ दिज टॉपिक्स ओनली जैसे ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ डिसम्बर को वेस्टर्न फिलोसॉफी का डिकार्ड्स आपको उसका डेमो दिया जाएगा थर्टी एथ ऑफ़ दिसंबर को इंडियन फिलोसोफी सांख्या पढ़ाया जाएगा यानी उसका डेमो होगा थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर को हम सोशो पॉलिटिकल फिलासॉफी का जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है उसके बारे में ब्रीफली हम डेमो देंगे और फर्स्ट ऑफ जनवरी को जो है फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन का सोल इमोटेलिटी रिबर्थ एंड लिबरेशन यानी ये पहले चार दिन में ट्वेंटी नाइन्थ से लेके फर्स्ट ऑफ जनवरी तक चारों सेक्शंस दोनों पेपर के चारों सेक्शंस का डेमो विथ गिवन टॉपिक्स वी विल बी गिविंग एज अ डेमो इन दी ऑनलाइन बैच वेल दिस इज फ्री फॉर ऑल सो यू कैन ज्वाइन थ्रू दिस जूम लिंक फॉर द डेमो यहाँ पर ये लिंक दी गई है इस लिंक को आप कॉपी करके या फिर इस आई डी को भी आप अपने जूम uh, के ऐप में डाल के पासपोर्ट जो दिया है वो पासपोर्ट एंटर करके आप उसमें जॉइन हो सकते हैं ऑन दी गिवन डेट्स ऑफ ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन एंड फर्स्ट ऑफ जनवरी सो ये चार डेमो लेक्चर्स जो है इसको आपको स्पेसिफिकली अगर ज्वाइन करना है तो इसके लिए वो लिंक दी है आप ये जो पी मैं जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये पी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम के चैनल की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है सो तो आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको ये पीडीएफ फाइल्स में मिल जाएगी इसका नाम उसी प्रकार से रहेगा शेड्यूल फॉर दी अपकमिंग बैच ऑफ फिलोसॉफी ऑप्शनल या फिर आप डायरेक्टली इस मीटिंग कोड को अपने मोबाइल में रजिस्टर करके इस डेट्स में ये एक ही मीटिंग कोड यूज़ होगा चारों दिन और यही कोड चारों दिन अप्लीकेबल रहेगा सो so आप अपने जूम के ऐप से हमें इस डेमोलेक्चर्स में ज्वाइन कर सकते हैं अब इस पर्टिकुलर बैच के की फीचर्स क्या है द होल सिलेबस विल बी टॉट बाय मी यानी ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई को फैकल्टी है जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ाने वाली है मैं ही उसका पूरा चारों के चारों सेक्शंस में कंप्लीट करने वाला हो उसके साथ हमारी जो अभी रिसेंटली हमने जो पब्लिश की हुई बुक्स है रिसेंटली तो इंडियन एंड वेस्टर्न की बुक्स रेडी है जो पब्लिश है हम ऑलरेडी वो अमेजन पे सेल भी हो रही है काफ़ी अच्छा उसको रिस्पांस मिल रहा है हमें तो ये जो साथ में और दो बुक्स जो है जिसको हम सोशो पॉलिटिकल पेपर टू का और फिलासॉफी ऑफ रिलीजन तो ये दो बुक्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ ही जाएंगे वी आर प्रोसेसिंग दैट तो ये चारों बुक जो है यानी एक बुक लगभग फोर हंड्रेड रुपीज़ का है और अगर वैसे देखा जाए तो चारों बुक्स दे विल कॉस्ट यू अराउंड सिक्सटीन हंड्रेड तो दे ऑल विल बी गिवन एट द फीस ऑफ दिस ऑनलाइन बैच अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो ये चारों के चारों बुक्स आपको आपके घर तक कुरियर किए जाएंगे सो यू नीड नॉट पे एनी सेपरेटली फॉर दिस फोर बुक्स बुक्स की खासियत क्या है यानी वॉट एग्जैक्टली यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट जैसे कई बार स्टूडेंट कुछ ग्रुप में क्वेश्चन पूछते हैं या उनका क्लास में भी कुछ इंटरेक्शन के दरियान ऐसे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जिसके बेस पे उनको थोड़ा सा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कि कैसे इसको आर्टिकुलेट करें क्योंकि जो क्लास नोट्स है रेफरेंसेस बुक्स है ऑल दो ये बहुत डाइवर्स है और हर किसी को कितना पढ़ना है किसमें से क्या उठाना है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फिलोसोफी ऑप्शन के लिए फिलॉसफी अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट सा सब्जेक्ट है जिसको समझना उसके आ, उसके कीवर्ड्स को पकड़ के उसके विजुअलाइजेशन से हमको उसको समझना पड़ता है जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ रटने से हो जाएगा इसीलिए स्टूडेंट्स को फ़िलासॉफी ऑप्शन में मार्क्स नहीं मिलते तो ये जो डाइवर्स सोर्सेस से हमने जो ये बुक्स कंपाइल किए हैं कंपाइल का मतलब क्या है कि कैंडिडेट को बहुत कुछ रेफर करना पड़ता है ड्यूरिंग होल प्रिपरेशन If we look at the present uh, material that is available in the market, तो बहुत डाइवर्स है कहीं तो सी डी शर्मा से ही कुछ है कहीं तो वार्मसी से कुछ है कहीं तो इग्नू से ही कुछ है कहीं तो इंटरनेट से सेपरेटली रेफर करना पड़ता है तो हमने क्या किया है इन चारों बुक्स में ऐसे जो रिमोट टॉपिक्स हैं जो शायद अवेलेबल नहीं हो या उसके बारे में प्रॉपर डेटा नहीं है लेकिन एक जेनरिक उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आने के लिए लुकिंग एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो जो एक अंदाज़ा जो आना चाहिए एक कैंडिडेट को बिफोर गोइंग टू एग्ज़ाम या बिफोर प्रिपेयरिंग दिस एग्ज़ाम तो वो हमने इन चारों बुक्स में कंपाइल करने की कोशिश की है यानी कैंडिडेट को इंटरनेट का यूटिलाइजेशन बहुत लिमिटेड हो जाएगा कि उसको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सिलेबस के टॉपिक्स दिए रहेंगे मोस्ट ऑफ़ दी रेफरेंसेस बुक्स को कवर करने की कोशिश की गई है वहाँ से जो इरिलेवेंट है उसको हटा दिया गया है और जो सिलेबस परस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट है उसको इसी सिर्फ इंक्लूड किया गया है तो ये कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जानना ज़रूरी होता है हर हमें कि हम जिस पे समय देने वाले हैं उस समय किस पे देना चाहते हैं हम लोग हमारे चार महीने छः महीने जो भी हम एक ऑप्शनल के लिए डेडिकेट करने वाले हैं अगर उसमें एक सॉलिड प्रिपरेशन नहीं हो पाया तो एक सॉर्ट sort ऑफ of थोड़ा सा निगेटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाती है कैंडिडेट में आप जो भी सीनियर प्लेयर हो उनसे बात करके पूछ सकते हो कि कैसे थोड़ा सा क्योंकि इनिशियली थोड़ा सा एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है और हम उतने डेडिकेशन से प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं तो इसमें होता क्या है कि अगर हमको एक रेफरेंस पढ़ा दूसरा रेफरेंस पढ़ा ये सब हमने चार से छः महीने तक मेहनत की और फिर पता चला कि इससे बावजूद भी और कुछ है जो हमने रेफ़र करना चाहिए और वो भी इतना डाइवर्स है कि नहीं पता कहाँ से क्या उठाना है जैसे आप इग्नू ही पकड़ लो या इंटरनेट ही पकड़ लो कि कहाँ से क्या उठाना है ये पकड़ना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो ढूंढना और उसके पीछे लगना फिर कभी कभी कैंडिडेट को निगेटिविटी डेवलप होती है इस ऑप्शनल को लेके इसलिए हमने इस बुक का कंपाइलेशन चारों बुक का कंपाइलेशन कुछ इसी प्रकार से किया है कि डायवर्स मटेरियल रिसोर्सेज से वो मिले और साथ ही साथ अभी जैसे कुछ ओपन एंडेड टॉपिक्स सब्जेक्ट सेक्शन है फॉर एग्जाम्पल फिलासॉफी ऑफ रिलीजन अब ये ऐसा टॉपिक है यहाँ पे एक इट्स नॉट दैट ओनली कि सिलेबस टॉपिक पढ़ के ही जाऊँगा मैं वहाँ पे एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग के अनुसार देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों का डेफ़िनेशन उसका कंटेम्प्रेरी क्या डिस्कशन हुआ है इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं रहता तो हमने कुछ ऐसे भी मटेरियल एडिशनल इसमें दे के रखे हैं जो डायरेक्टली सिलेबस में तो नहीं दिखेंगे लेकिन आप उसको पढ़ लोगे तो आपके बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स जो इस सब्जेक्ट को लेके होते हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे मैं फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली तो काफ़ी इस पर इनपुट्स डाले गए हैं हमारे साइड से आ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये आ, थोरोली इस चार नोट्स के बेस पे आप अच्छी से मेंस लिख पाओ सो दैट इज़ आवर आई मीन प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद दिस थिंग्स और अगर आपको ये ऑनलाइन बैच जिसमें हम ये चार बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं विदाउट चार्जिंग द डिलीवरी फ्री फीस अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका जो फ़ीस है ये सबसे कम रखा गया है इंडिया में पूरे फिलासॉफी ऑप्शनल की बैच का अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा निकालो अगर आप बाकी क्लासेस में इंक्वायरी करो तो आपको पता चलेगा कि इट्स वेरी लीस्ट अमाउंट दैट वी आर आस्किंग यू टू फॉर दिस ऑनलाइन बैच दैट इज़ ओनली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हालांकि हम ये वन टाइम ही लेने वाले हैं बिकॉज वी नॉट डील विथ सो मैनी थिंग्स कि सर मैं पहला इंस्टॉलमेंट आज दूंगा फिर विद इन वन मंथ मैं दूसरा दे दूंगा फिर हम उसको पूछेंगे यार तू क्यों नहीं दे रहा है या वॉट वॉट इज़ द इशू फिर वो कहेगा सर मेरा कुछ और ही वी एक्चुअली गेट इन टू दी लॉस ड्यू टू दीज थिंग्स तो इसमें मुझे स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगा कि वही कैंडिडेट्स ज्वाइन करिए जो डेडिकेटेडली चाहते हैं कि मेरा थ्रो प्रिपरेशन हो यानी चार महीने में अगर आपने सिर्फ करंट अफेयर और ऑप्शनल भी किया और सैटरडे संडेज़ को थोड़ा ऐसे पे भी काम किया फिर भी आप ये चार महीने में आराम से एक थरो प्रिपरेशन जो कहते हैं हम लोग वो आप कर सकते हो विथ आंसर राइटिंग लेकिन आपको उतना समय मुझे देना पड़ेगा यानी यू हैव टू वर्क विथ मी इट्स नॉट ओनली आई एल बी कमिंग एन हियर टीचिंग एवरी डे एन मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया कंसेप्ट को ईजी बना के दे दिया लेकिन उसमें कुछ जो एडिशनल डेटा आपने पढ़ना चाहिए उसके ऊपर आपने वर्कआउट करना चाहिए अगर वो आपने किया ही नहीं तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ तो अगर आप फोर मंथ्स में डेडिकेटेडली चाहते हो कि मेरा ऑप्शनल तगड़ा हो जाना चाहिए मेरा उसका एक जो कवरेज है मुझे फील होना चाहिए कि मैंने आज ऑप्शनल को अपने दोनों हाथों से ऐसे पक्का पकड़ा हुआ है कि मुझे उस पर पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है ये जो चीज़ होती है ना कि हमें विश्वास पैदा होना हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर ये बेहद ज़रूरी है हमें ये लगते रहता है कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है ऐसा नहीं होता है हमें उसके सारे उसके माइलस्टोन्स को भी अचीव करना है पैरेलली जै, जैसे कि आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग में भी कुछ लोगों के हैंड राइटिंग इतनी ख़राब होती है कि वो भले कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो यूपीएससी उनको मार्क्स नहीं देती फिर वो स्किल तो भी डेवलप करना चाहिए आपने कि किस प्रकार से आंसर को मैं कोट करूँ कि ये सवाल है और ये आंसर है यानी ये क्वेश्चन पूछा है ये इसका आंसर है ये इस प्रकार से बैठना चाहिए कि जैसा डिमांड है क्वेश्चन का उसके प्रकार से मैंने फिट बिठाना चाहिए ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये एक दिन में आपको नहीं आएगी इफ यू डोंट नो दैट बट इफ यू कंसिस्टेंटली कीप ऑन डूइंग इट हमारे इनपुट्स के अनुसार आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते रहो मैं इतना तो भरोसे से कह सकता हूं कि आप में इंप्रूवमेंट आप खुद देखोगे कि कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा है दैट्स व ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज़ अ वेरी लेस अमाउंट एज कम्पेयर टू दी प्रेजेंट फ़िलासॉफी रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया सो उस कंटेक्स में देखा जाए तो आप घर बैठे अपने ही घर अपने ही लाइब्रेरी में जो दो बैचेस के टाइमिंग है उसमें शांति से बैठ के सब्जेक्ट को समझ के फिर दिए गए डायरेक्शन के अनुसार अगर जो नोट्स हमने आपको भेजे हैं उसको आप पढ़ते हो समझ लेते हो उसके फ्लेक्सी नोट्स बना के रखते हो आपका सेवेंटी परसेंट काम हो गया ये फोर मंथ्स में समझ लो अब मैंने सेवेंटी परसेंट इसलिए कहा क्योंकि थर्टी परसेंट इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सिलेबस कवरिंग डज नॉट एट ऑल मीन कि आपने ऑप्शनल प्रिपेयर कर लिया है जब तक आंसर राइटिंग पे होल्ड नहीं आता जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सिलेबस पे एक पक्का हमारा कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमारा उसके ऊपर एक जो पकड़ है वो बननी चाहिए उसी प्रकार से आंसर राइटिंग पे भी पकड़ बननी चाहिए और इसी के लिए मैं कहता हूँ वो थर्टी परसेंट है जो टिप है वो क्रूशियल है उसके अलावा और कुछ नहीं है सो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस बैच वन टाइम यू हैव टू पे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डेमो लेक्चर्स जो है ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन एंड फर्स्ट ऑफ जैन इन चार दिन में आप डिसाइड कर सकते हो लेकिन थर्ड ऑफ जनवरी को जब पहला बैच का फर्स्ट डे होगा फर्स्ट लेक्चर होगा एक्चुअल उस दिन जो आ, हम पढ़ाएंगे तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स को एक्सेस होगा जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है जिन्होंने अमाउंट पे किया है सो इफ़ एनी वन वॉन्ट टू पे दी फीस दिस इज़ द क्यू आर कोड राइट इन फ्रंट ऑफ यू इसको स्कैन करके भी आप पे कर सकते हैं दिस इज़ द फोन पे क्यू आर कोड यू कैन डायरेक्टली पे थ्रू दिस और इफ़ यू हैव एनी इश्यूज़ रिलेटेड टू द क्यू आर कोड यू कैन नोट दिस अकाउंट नंबर आई एफ एस सी कोड एंड ब्रांच नेम

ऑन the गिवन मेल id that is इज ओल्ड मॉन्ग्स वन थ्री वन थ्री एट द रेट जी डॉट कॉम इस पर पे आपको पेमेंट कम्प्लीट होने की जो एक रिसीट बनती है चाहे वो आप एन ई एफ टी से करिए चाहे आप वो क्यू आर कोड से करिए तो यू कैन सिम्पली टेक अ स्क्रीन शॉट एंड मेल विथ योर नेम योर एड्रेस योर मोबाइल नंबर सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू आफ्टर ऑफ योर पेमेंट ये प्रोसेस मैंडेटरी है उसके बाद ही आपको ऑनलाइन लेक्चर्स की लिंक और सारी प्रोसेस मिल जाएगी अपने आप मेल में ही तो आपके मेल को ही हम रिवर्ट करेंगे नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यूजअली स्टूडेंट आस्क एज लास्ट ईयर वी हैव स्टार्टेड अ बैच ऑन सम फर्स्ट ऑफ फेब्रुवरी जो अभी तक उसके कुछ सोशो पोलिटिकल के टॉपिक्स ख़त्म नहीं हुए आई है फ्रेंकली एडमिट दिस बिकॉज इस एक साल में मैंने चार बुक्स कंपाइल करने की पूरी कोशिश करके उसमें से दो प्रिंट हो चुके अमेज़ोन पे सेल हो रहे हैं दूसरा दोनों बुक्स आर ऑन द क्यू उसका कंपाइलेशन रेडी हो रहा है मंथ एंड तक आ जाएगा पूरे साल में इतना सब कुछ एक ही कैंडिडेट ने करना उसके साथ साथ मेरा अपना कॉलेज होता है आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एम कॉलेज पुणे अगर कुछ महाराष्ट्र के लोग हो तो जान सकते हो आप लोग सो so, ये सारा बर्डन कॉलेज के सारे चीज़ें और इसके साथ मैंने ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश की एक साल में मुझे बहुत तकलीफ बहुत चैलेंजेस बहुत कुछ आया इसलिए मैं उसका शेड्यूल कंप्लीट नहीं कर पाया जो मैंने डेडिकेटेडली चार से साढ़े चार महीने का दिया था लेकिन मुझे एक्चुअल चैलेंज तब आया जब मेरे नोट्स रेडी नहीं थे कंपाइल्ड और मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना था तो उस समय में एक एक पेज को कंपाइल करने के लगभग डेढ़ से दो घंटे दिस इज़ द एवरेज टाइम आई एम टेलिंग यू और मुझे अगर पाँच पेजेस पर डे पढ़ाने हैं तो आप सोच सकते हो मुझे कितना टाइम उसके लिए लगता होगा सो दिस इज आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर द डिले इन माय फर्स्ट बैच बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आई वाज नॉट सिटिंग आइडल एंड लुकिंग आफ्टर द थिंग्स कि सब अपने आप हो जाएगा आई वॉज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स कि ये थोड़ा सा अच्छे से कंपाइल्ड हो प्रॉपर मटेरियल मिले स्टूडेंट्स को और शायद जिनका फर्स्ट बैच में इस प्रकार से टाइम डिले की वजह से नुकसान हुआ होगा आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए मैं और आगे आने वाले समय में कुछ कर पाऊँ मेरे साइड से अगर उनको कोई सहायता होगी हो सकती है तो मैं डेफिनेटली उसके लिए वर्कआउट करूँगा लेकिन इस जो बैच है ये जो फर्स्ट ऑफ यानी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाली है इस बैच का हमने पूरा शेड्यूल दिया है और उसके पढ़ाने के तरीके आपको डेमो लेक्चर्स में मिल जाएंगे डेमो लेक्चर्स में यही पता चलेगा आपको कि हर टॉपिक हम किस प्रोसेस से पढ़ाने वाले हैं हमारी क्या मेथडोलॉजी होगी दैट यू विल कम टू नो व्हेन वी विल स्टार्ट टेकिंग द डेमोस ऑन सर्टेन डेट्स तो ये एक सिर्फ डेट वाइज पूरा कंपाइलेशन दिया है टॉपिक वाइज है इंडियन फिलोसॉफी विल स्टार्ट ऑन थर्ड ऑफ जैन एंड इट विल एंड ऑन द फर्स्ट ऑफ फेब यानी पूरा जनवरी मंथ वी विल स्पेंड ऑन द इंडियन फिलासॉफी ये आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है थर्ड जैन को जैनिज्म हो जाएगा फोर्थ जैन को जैनिज्म का बचा हुआ पुरुषन देन फिफ्थ सेवन्थ उसके अनुसार पूरा का पूरा अभी जैसे स्कूल्स ऑफ वेदांत में भी कई सारे स्कूल्स हैं तो हमने उसके लिए डेडिकेटेड एक एक दिन दिया है तो ऐसा नहीं है कि स्कूल्स ऑफ वेदांत दे कुछ तो छोड़ दिया है आप देख सकते हो चारवा का तक हर एक सिलेबस का पॉइंट इसमें किया हुआ है इंक्लूडिंग दी चैतन्य महाप्रभु जिसके ऊपर 2018 में सवाल भी आया था सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ कि अपडेटेड चीजें कैंडिडेट को मिले ये yes, जब हम क्लास में पढ़ाते रहेंगे आप एश्योर्ड रहो कि आपके हाथ में इंडियन फिलोसॉफी का हार्ड कॉपी रहेगा आप डायरेक्टली बुक से पढ़ सकते हो जब मैं ऑनलाइन पढ़ाते रहूंगा उसके बाद भी काफ़ी समय मिलने वाला है आपको इन सब के लिए सो so, अगर थर्ो माइंड से सही में प्रिपरेशन अगर फिलोसॉफी ऑप्शनल का करना चाहते हो ना यू आर मोस्ट वेलकम बॉस आगे जैसे फर्स्ट ऑफ एप को चारवा का वी हैव डन देन उसके बाद वेस्टर्न फिलोसॉफी स्टार्ट होता है उसमें भी जैसे आप देख सकते हो डेडिकेटेडली एंशियन फिलाोसॉफर्स फिर रैशनलिज्म के फिर एम्पेरसिज्म के फिलासॉफर्स हालांकि कंटेम्प्ररी का अलग से हमने ये नहीं दिखाया बट वी ऑल नो कि मूर्ग से आगे यानी मूर रसल एरली बटी गिंगस्टन और वो वहाँ से कंटेम्प्रेरी फिलासॉफर स्टार्ट होते हैं जिनके लिए समय दिया गया इसके अनुसार और जैसे हम देख सकते हैं कि ट्वेंटी एट ऑफ फेब को कंटेम्प्रेरी स्टार्ट हो जाएगा यानी लगभग एंशियंट फिलोसोफर यानी प्लेटो एरिस्टोटल ग्रीक फिलोसोफर्स भी कहते हैं रैशनलिज्म और एम्परिसजम इंक्लूडिंग कांट एंड एंडल विल बी डन बाय द ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ फेबर यानी ये एक अंदाज़ा आ गया कि फेब के एंड तक क्योंकि ट्वेंटी एट तक ही है फेब मंथ इस साल तो ट्वेंटी एट तक आपका वेस्टर्न का जो फर्स्ट हाफ जिसको हम मान सकते हैं सेक्शन ए का यानी वेस्टर्न फिलोसॉफी का कंटेम्प्रेरी तक का ऑलमोस्ट हो जाएगा फिर स्टार्ट होगा मार्च में यानी ऑलमोस्ट ट्वेंटी एट फेब यानी मार्च ही स्टार्ट हो रहा है तो उस महीने में हम कंटेम्प्रेरी स्टार्ट करेंगे जहाँ मूर से लेके आगे हालांकि ये बोलने के लिए ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि ये कंटेम्प्रेरी ईजी है ईजी है लिखते समय समझ में आता है कि उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी है तो उस पर बहुत काम किया है मैंने कि अपने बुक्स में भी वैसा मटेरियल दिया है कोशिश की है कि वो कैंडिडेट को यूजफुल हो लेट अस सी आपको कितना वो आप डाइजेस्ट कर सकते हो या उस लेवल पे जाके समझ सकते हो हमें बस वो कोशिश करनी है बट इफ़ यू स्ट्रेच अ लिटिल बिट वी कैन रियली रीच टू दैट पॉइंट ओके सो ये हो जाएगा मार्च के सेवनटीन्थ तक लगभग सेवनटीन्थ मिड ऑफ मार्च तक ये वेस्टर्न फिलोसॉफी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी यानी फेबररी एंड मार्च मेड ये चला हमारा वेस्टर्न फिलोसॉफी का बहुत लंबा समय हमने इसको अलॉट किया है कंसिडरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कंटेम्प्रेरी फिलासॉफर्स हम इसको एक एक दिन में ख़त्म नहीं करने वाले आप देख सकते हो हमने उसके लिए जो जो सिग्निफिकेंट थोड़े से बड़े हैं उनके लिए समय अलॉट किया हुआ है जैसे कि रसल के लिए आप देख सकते हो लॉजिकल पॉजिटिविज्म के लिए जहाँ जहाँ वो थोड़ा सा समय देना चाहिए ऐसा हमको लगा है वहाँ पे हमने समय अलॉट किया है तो ये थोड़ा सा इस बात को भी हमने समझ लेना है कि कैसे हमको कंटेम्प्रेरी पे भी फोकस करना है वो आपकी चॉइस है बाद में कि सर मैं मेरा सेक्शन ए स्ट्रांग है मेरा सेक्शन बी स्ट्रांग है राइटिंग के या अटेम्प्ट के समय की स्ट्रेटेजी वो हम बाद में डिसाइड करेंगे अभी हमें सिर्फ सब्जेक्ट के डेप्थनेस पे जाके उसके अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है कि हमें कितना समझ में आ रहा है उसके आगे देन विल स्टार्ट विद द पेपर टू जिसमें हम सबसे पहले लेंगे सेक्शन बी फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन इसको जिस प्रकार से सिलेबस के टॉपिक के अनुसार आप देख सकते हो एट्थ ऑफ अप्रैल यानी मिड ऑफ मार्च से लेके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक यानी चलो हम टेंथ भी अगर अप्रैल पकड़ के चले तो पूरा फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन कंप्लीट हो जाएगा इसमें एडिशनल मटेरियल भी आपको समझाया जाएगा वो डिटेल में नहीं होगा बट उसका इस सिग्निफिकेंस कहाँ कहाँ है जैसे कुछ टॉपिक्स हमने कंपाइल किए हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके अच्छा मटेरियल लगा हमको और हमारे सब्जेक्ट मैटर में सिलेबस से लिंक लगा इसलिए हमने उसको थोड़ा सा अपने इसमें इंक्लूड कर लिया है तो वो एक कंपोनेंट आपको क्लास में ही बताया जाएगा इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है डिटेलिंग्स है सब्जेक्ट का थोड़ा पकड़ आना मुश्किल होता है स्टूडेंट्स को उसके ऊपर हमने काम किया है जो बुक्स से आपको डायरेक्टली रिलेट हो जाएगा वो ईजी हो जाएगा आपको सो वी आर प्लानिंग फॉर दैट उसके बाद आता है लास्ट सोशोपोलिटिकल फिलोसॉफी वेरी सिग्निफिकेंट जिसमें आप मन चाहे मार्क्स उठा सकते हो इट्स लाइक दैट यू कैन इफ़ यू आर फ्लुएंट ऑन दैट स्केल यू कैन रियली हैव अ बेटर स्कोर एंड यू शुड हैव अ बेटर स्कोर इन दैट स्केल आई वुड से क्योंकि ये कुछ निटिग्रिटीज़ के साथ जी एस पेपर टू के कुछ कंपोनेंट के साथ डायरेक्टली रिलेट होता है और वो आप अगर आंसर्स में इंक्लूड कर पाओ तो आपके आंसर्स की ब्यूटी अपने आप बढ़ जाती है उसका जो क्वांटम है उसका जो एक प्रेजेंस है वो अपने आप में इम्प्रूव हो, होता शुरू हो जाता है अगर आपको सोशो पॉलिटिकल को कैसे डील करना जानते हो तो सो इट विल स्टार्ट ऑन द फर्स्ट फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल एलेवेंथ ऑफ अप्रैल को हम जस्टिस अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने पहले सेक्शन पहले यूनिट को एक दिन दे दिया कि जस्टिस लिबर्टी और इक्वलिटी आप सिलेबस देखोगे तो आपको से, से, समझ में आ जाएगा ये लेकिन आप देख सकते हो कि जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वालिटी इन तीन सेक्शंस के लिए कितना समय अलॉट किया है हालांकि ये कम भी हो सकता है लेकिन जानबूझ के उसके अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को समझते हुए उसके आंसर राइटिंग को स्पेस देते हुए हमने इतना समय अलॉट किया हुआ है जहाँ पे स्पेसिफिक फिलासॉफर्स आते हैं जैसे सॉवर्निटी में ऑस्टीन बॉडिन लास्की कॉटिल् तो ये हमने थोड़ा सा कम समय में ये क्योंकि ये स्पेसिफिक पूछा है सिलेबस में ही ऐसे दिया है तो सॉवेनिटी पे किसी और का ओपिनियन होगा तो हमें उससे कुछ लेने देना नहीं है लेकिन जैसे कि जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें हमको बहुत सारे फिलासॉफर्स के व्यूज़ पढ़ने मिलने वाले हैं तो हम ये भी नहीं कह सकते कि सर ये पढ़ने चाहिए या नहीं बिकॉज वो सिग्निफिकेंट भी है आप आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो इतने वो पॉपुलर लोग हैं लेकिन सिलेबस में स्पेसिफिक मेंशन नहीं है तो ऐसे समय व्हेन देयर इज एन अपॉर आई वुड कॉल इट एज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू कैन यूटिलाइज इट इन योर आंसर्स हम वही डिस्कस करेंगे इन द क्लास कि कैसा क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन के साथ साथ इन फिलोसॉफर्स का डेटा कैसे क्लब करके लिखा जा सकता है यू नो आई आई नॉट एक्सप्लेन यू दैट राइट है हि बट यू कैन एटलीस्ट रीच माई इमोशंस एंड माई इंटेंशंस कि इसको कैसे डील किया जा सकता है ओके okay? उसके बाद में आता है बाकी के टॉपिक्स जो यहाँ पे दिए गए हैं सो वी विल डेफिनेटली वन बाय वन वन बाय वन एक 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 हम क्रॉस करते 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 एक लेवल्स पर जाएंगे और एंड में जो टॉपिक है थर्ड ऑफ मे को कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जिसमें गांधी जी और आम्बेडकर जी के व्यूज़ और उनकी उसके ऊपर की डिबेट एक वो बड़ा उसका एक अच्छा सा कन्वर्सेशन हमें मिला है और सिग्निफिकेंट है वो कि कैसे क्या दोनों के व्यूज़ भी अपने जगह बहुत ही सिग्निफिकेंट माने जाते थे तो ये एक कन्वर्सेशन बेस्ड है एक कन्वर्सेशन के दौर पे ही उसको पहले समझना चाहिए फिर उसकी वोकेबलरी पकड़ के उसके पॉइंट्स लिख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई विल गाइड यू इन एवरी सिंगल थिंग ऑफ दिस सिलेबस हालांकि जब मैंने ये सिलेबस पढ़ाया इसके थ्रू मैंने फर्स्ट टाइम बैच ली और पढ़ाई ऑनलाइन तो मुझे इतना अच्छा अनुभव आया है कि वेन आई टीच स्पेसिफिकली तो उस समय में कैंडिडेट कैन रिलेट विजुअलाइज सो मैनी थिंग्स बस एक ही चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि वो डेडिकेटेडली वहाँ पर प्रेजेंट चाहिए अगर उसका ध्यान डिस्टर्ब है वो मेंटली uh, सेटल नहीं है या वो कुछ और ही थाट्स में है तो मैं क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है जैसा कि हम यूजअली देखते हैं कि एक क्लास में दो सौ स्टूडेंट भरे हुए हैं लास्ट के स्टूडेंट्स का क्या चल रहा है या इवन सामने बैठे वाले भी स्टूडेंट्स कहीं कुछ कॉर्नर में बैठे वाले स्टूडेंट उनके अंदर क्या चल रहा है कोई फैकल्टी जज नहीं कर सकता है लेकिन अगर उसमें चार भी लोग डेडिकेटेडली बैठे हुए हैं ना उनको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ अटेंशन सो वी विल फोकस ऑन एवरी सिंगल आस्पेक्ट एंड सॉल्विंग यूर क्वेरीज ड्यूरिंग द क्लास लेक्चर्स विच विल बी ऑनलाइन इन अ सेंस अभी इसमें हम क्या आपको ऑफर कर रहे हैं तो पहले चार बुक्स तो आपको जैसे वर्थ रुपीज सिक्सटीन हंड्रेड की सोलह सौ की चार बुक्स हम आपको फीस में ही दे रहे हैं यानी इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री जो बुक्स है उसके बाद है टेस्ट सीरीज जिसका हम अलग से टेन थाउजेंड लेते हैं जिसमें ट्वेंटी फोर टेस्ट इंक्लूडेड है सेक्शन वाइज है जैसे फॉर एग्जाम्पल जैनिज़्म बुद्धिज़्म को मिला के एक टेस्ट और उसमें फाइव क्वेश्चन फॉर ईच टॉपिक लाइक जैनिज़म के पाँच बुद्धिज़म के पाँच बहुत ही जेनरिक टॉपिक पे ऐसे ही जो सिलेबस से रिलेट है वैसे ही पूछा गया हर टेस्ट में तो ये जो ट्वेंटी फोर टेस्ट है इसका एक्सेस आपको आने वाले एक साल तक रहेगा एक साल तक आप ये ट्वेंटी फोर टेस्ट लिखोगे विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी यानी टेन थाउजेंड यू निड नॉट पे सिक्सटीन हंड्रेड फॉर द बुक्स यू निड नॉट पे सो ऑलमोस्ट आपके आ, टेन थाउजेंड सिक्सटी यानी उसका अमाउंट पकड़ के प्लस सिक्सटीन हंड्रेड ये दोनों आपके फ़ायदे में ही जा रहा है फ्रॉम दी इकोनॉमिक परस्पेक्टिव आई एम टेलिंग दिस कि कैंडिडेट ये बहुत सोचते हैं कि बुक का कॉस्ट अलग टेस्ट सीरीज का कॉस्ट अलग बैच फिर लगाओ तो उसका फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड कुछ फीस होता है फिर पेनड्राइव कोर्स लूँ तो उसका एक फीस होता है कैंडिडेट के आए दिन के चैलेंजेस को देखते हुए और उनकी इकोनॉमी ड्यू टू तो दिस कोविड नाइन्टीन वी ऑल नो वी हैव बीन थ्रू दी वेरी डिवास्टेटिंग टाइम तो ये सब ऑफर इसीलिए किया जा रहा है ताकि अगर आप सही में चाहते हो कि मेरा फिलासॉफी ऑप्शन का तैयारी अच्छे से हो तो वी आर ट्राइंग टू तो गिव यू द बेस्ट ऑफ द ऑफर इन द मार्केट एज ऑफ नाउ टेस्ट विल बी सो तो ये ट्वेंटी फोर टेस्ट आप साल में कभी भी दे सकते हो एवरी सैटरडे वी विल बी मेलिंग यू द टेस्ट पेपर जो आप लिख के सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद में जब बैच ख़त्म हो जाएगी और कुछ टेस्ट पेपर बचे रहेंगे वी विल स्टेट अवे मेल ऑल ऑफ दो पेपर्स टू यू सो दैट आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार उसको लिख के हमें दिखा सकते हैं यू कैन शो वन बाय वन आंसर एज वेल और यू कैन शो होल पेपर बाय सबमिटिंग इट एंड वी विल राइट अवे डिस्कस इट इन द क्लास एज वेल ये मत समझिए कि उसका सिर्फ आप ही के साथ डिस्कशन होगा हम उसको क्लास में शेयर करके सबके सामने उसका जो पोस्ट मॉडर्न कहते हैं या उसका एनालिसिस जो है वो हम करेंगे ताकि आपको तो समझ में आए ही साथ ही साथ बाकी बच्चों का भी उसमें फायदा हो जाए सो टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड एवरी सैटरडे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम द फिफ्टींथ ऑफ जनवरी जो सेकेंड वीक होगा क्योंकि एक वीक में पहले सिलेबस कवर होगा आपको उतना दो वीक का स्पेस मिलेगा रिवाइज तो करने के लिए पहले टेस्ट का सिलेबस तो इसके लिए वो वैसा प्लान किया है और जो मोड ऑफ टीचिंग है अब ये कुछ जेन्यन क्वेश्चन होते हैं कैंडिडेट के कि सर ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है कि कभी कभी हम नहीं ज्वाइन कर पाते या कभी नेटवर्क इशू होता है कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है तो हम नहीं बता सकते कि हम लेक्चर ज्वाइन करेंगे क्या और उसके वजह से हमारा जो लेक्चर मिस क्यूँ हो और अगर हो गया तो वॉट इज़ द प्रोविज़न बाय ओल्ड मॉक्स फिलासॉफी सो हियर वॉट वी डू वी आर प्रोवाइडिंग एन एंड्रॉयड ऐप जो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी वो आपको एक्सेस मिलेगा आपको सर्टेन वीडियोस कुछ मल्टीपल uh, टाइम्स देखने के लिए जो एक उसकी परमिशंस होगी वो कुछ लिमिट्स तक ही होगी यानी कि फॉर एग्जांपल आपका अगर जैनिज्म ये टॉपिक छूट गया आप यू कैन नॉट अटेंड दैट लेक्चर या फिर आपने थोड़ा लेट रजिस्टर किया और पहले के एक पाँच छः लेक्चर्स आपके मिस हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल तो उस समय में आप क्या करोगे कि उस ऐप में जाके आपको एक्सेस मिलेगा इफ़ यू हैव पेड दी फीस एंड एक्सेट्राट इट इज़ ऑल अज्यूम्ड कि आपने वो सब पहले किया है सो वंस यू आर रजिस्टर्ड विद द बैच फिर आपको एक्सेस दिया जाएगा तो जैनिज़म की वीडियो आप कुछ एन नंबर ऑफ टाइम हम उसका एक प्रोटोकॉल बनाने वाले हैं उतने ही समय तक आप देख पाओगे उतने समय देखने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आया यू कैन डायरेक्टली कॉल मी गेट इन टच विथ मी आपके जो क्वेरीज है मैं सॉल्व करके दे दूंगा तो ये प्रोसेस होगी और ये एंड्रॉयड ऐप में सारे के सारे लेक्चर्स तब्दील होंगे और वो हर इंडिविजअल को उसके अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट एक्सेस मिलने वाले हैं कि आप कितने बार उस वीडियो को देख पाओगे सो इट इज़ नॉट दैट अनलिमिटेड एक्सेस विल बी गिवन टू यू इट विल बी लिमिटेड एक्सेस गिवन टू यू कंसिडरिंग कि आपको ये ध्यान में रहे कि इतने अटेम्प्ट के बाद ये वीडियो प्ले नहीं होगी सो so, अगर मुझे समझना है इस टॉपिक को तो इस नंबर ऑफ अटेम्प्ट में ही समझना पड़ेगा ये एक लकीर लक्ष्मण रेशा जिसको हम कहते हैं कि हमने खींच लिए सो so दैट आपको उसकी सिवियरिटी उसके टाइम बाउंड प्रोसेस में काम करते आना चाहिए और उसके बावजूद भी अगर डाउट्स रह जाते हैं आई एम देयर फॉर यू यू कैन कॉल मी यू कैन डू दी मेल और यू कैन इवन चैट मी ऑन दी व्हाट्सएप टेलीग्राम वाट्सएप का नंबर है मेल आई डी दिया हुआ है ऊपर कहीं पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैं या फिर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो सो so वहाँ पे या इन लेक्चर्स भी यू कैन आस्क ये ये क्वेरीज है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए देन वी विल डू दैट सो प्लीज़ इस बात को ये समझ मत लेना कि सर हमको अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए जो अनलिमिटेड मांगता है ना वो हार्डली एक बार देखता है ये uh, मैं भी यू का स्टूडेंट रहा हूँ तो आई नो हाउ पीपल वर्क एट एंड उनका निगोसिएशन स्किल मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ दिस इज वॉट वी आर ऑफरिंग नो अनलिमिटेड एक्सेस टू द वीडियोज़ लिमिटेड एक्सेस में समझ लेना पड़ेगा उस पर काम करना पड़ेगा उसके डाउट्स रेस करके आने वाले नेक्स्ट जब वीडियो फिर से देखोगे अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अगर आपको तीन बार वीडियो देखनी है और हमने तीन बार एक्सेस दिया तो एक वीडियो आप सिर्फ तीन बार देख पाओगे जिसका एक्सेस हमने आपको दिया है तो तीस तीन बार में आपको कोशिश करनी है कि आपका हर एरर सॉल्व हो जाए उसके बाद भी अगर नहीं आता एक्सेस नहीं मिलने वाला आई एम देयर फॉर यू टू सॉल्व द क्वेरीज वट एवर इज़ रिमेनिंग सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई जस्ट ब्रीफली अगेन गो थ्रू द पी डी एफ दो बैचेस हैं मॉर्निंग इवनिंग मॉनिंग नाइन टू टेन थर्टी वन एंड हाफ आवर्स और इवनिंग फाइव टू सिक्स थर्टी वन एंड हाफ आवर्स इनफ होते हैं उसके चार डेमोलेक्चर्स है ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ जैन एज पर गिवेन अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उसका जूम इन्विटेशन जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दी डेमोलेक्चर इसका ये मीटिंग कोड आईडी और पासकोड आपने जो नोट करके रखना है सो so दैट आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली आठ बजे इवनिंग एट पी को डेमो लेक्चर होने वाला है सो प्लीज़ नोट दैट ओके ऑन द ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन एंड फर्स्ट ऑफ जैन उसके बाद आता है की फ़ीचर्स में हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि चार बुक्स वर्थ रुपीज सिक्सटीन हंड्रेड फ्री है उसके बाद में हमने आपको टेन थाउजेंड की जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी हमने फ्री दी है उसके बाद ये जो कम्पाइल्ड रिसोर्सेज का फ़ायदा आपको मटेरियल ढूंढना नहीं पड़ेगा इंटरनेट पे इग्नो पे या इधर या उधर आप सिंपली क्या कर सकते हो उसको देख के अपने हिसाब से सिलेबस के टॉपिक के अनुसार उसको प्रिपेयर कर सकते हो तो वो हमने कोशिश की है वन पॉइंट पे उसको लाने की रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो वन टाइम ही पे करना पड़ेगा आपको नो इंस्टॉलमेंट्स अलाउड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बाई स्कैनिंग द क्यूआर कोड गिवन हियर और बाय पेइंग थ्रू द अकाउंट एंड आई कोड पेमेंट कंप्लीशन के बाद में उसकी रिसीट ऑफ पेमेंट ओल्ड मॉक्स वन थ्री वन थ्री एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर मेल करनी है यह है शेड्यूल ऑफ इंडियन वेस्टर्न सोशो फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन एंड सोशो पोलिटिकल इस तरह से हम थर्ड ऑफ जनवरी को स्टार्ट करके थर्ड ऑफ मे को कम्प्लीट करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं आगे पीछे हो सकता है कभी हेल्थ इशूज हो सकते हैं कभी वी आर ह्यूमन बींग एंड आई एम अ डेडिकेटेडली फैकल्टी फॉर दिस सो आप सब कुछ मुझसे ही अगर सीखना चाहते हो ये भी आपकी प्रायोरिटी है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है इट इज़ मे बी डिपेंड ऑन द नेचुरल कैलेमिटीज एंड दैट वे कॉजेज सो प्लीज़ एटलीस्ट ये मत जज कर लीजिए कि होगा या नहीं होगा हम थर्ड ऑफ जनवरी से थर्ड ऑफ मे तक तेजी से काम करने वाले हैं आपको रिजल्ट बाउंड टाइम बाउंड काम करने की हमारी पूरी डेडिकेटेडली प्रैक्टिस हम कर रहे हैं अभी से सो so, हम इसके साथ जो ऑफर किया है हमने आपको आपको सबको बताया है एंड्रॉयड ऐप के बारे में एंड्रॉयड ऐप के बारे में जो हम आपको आने वाले कुछ दिनों में बताएंगे जब वो ऐप रिलीज़ होगी कैसे काम करेगी किस फीचर्स आपको यूजफुल होंगे वो सब आपको उसमें मिल जाएगा बट एंड्रॉयड ऐप ये कोई जेनरिक ऐप नहीं है ये स्पेसिफिकली जो बैच ज्वाइन कर रहे हैं उन स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से ही डिज़ाइन की जा रही है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट अगर आप चाहते हो कि आपके कलीग्स में कोई ऑनलाइन फिलोसॉफी बैच ऑप्शनल की ज्वाइन करना चाहता है तो उन तक मेरा ये मैसेज ये वीडियो पहुँचाइए सो दैट वी कैन लेट देम इन आवर सर्कल थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे